नमस्कार दोस्तों, अब आज हम फिर आगे बढ़ते हैं। एलेंस की नोट को समझने का निरंतर क्रम जारी रखते हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं प्रीफेस पे। तो डॉक्टर सी एलन प्रीफेस की पहली लाइन बड़ी मजबूती के साथ लिखते हैं। देखिए, प्रीफेस एलेंस डॉक्टर सी एलन की मटर मेडिका हो, डॉक्टर बोरी की मटर मेडिका हो या आर्गनना मेडिसिन हो, प्रीफेस में होम्योपैथिक छात्रों से, प्रैक्टिशनरों से, अपने साथियों से एक विशेष रूप से अनुरोध करता हूँ कि वो हर बुक का प्रीफेस बहुत गहराई में पढ़ें, उसको एक बार नहीं कई बार पढ़ने का प्रयास करें। प्रीफेस किसी भी अथर की आत्मा होती है, यानी उसमें उसके भाव और व्यक्तित्व और उसकी भाषा की मूल झांकी झलकती है। इसलिए आप प्रीफेस को कई बार पढ़ें। आप सीलन की जब प्रीफेस को शुरू करते हैं, उनकी पहली ही लाइन में एक इतनी मजबूत और अकाट लाइन लिखते हैं कि हर होम्योपैथ को जीवन भर समझना चाहिए। वो लिखते हैं, लिखना तो ढेर सारा था, पर लिख रहे हैं एक अच्छे होम्योपैथिक मटर मेडिका का विद्यार्थी का जीवन का सबसे मजबूत टास्क ये होता है कि वो लगातार कांस्टेंट कंपैरिजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ होम्योपैथिक मटर मेडिका। कितनी मजबूत लाइन लिख रहे हैं। वो बहुत महान नहीं है जो रस्टाक्स को समझ गया, जो बेलाडोना को समझ रहा है, जो ग्लोनाइन को समझ रहा है। आपको समझना भी है और उसका लगातार कंपैरिजन भी करना है कि ग्लोनाइन का हेडक बेलाडोना से कैसे अलग है, सीपीआर म्यूरुक्स से कैसे अलग है, सिकेलकार आर्सेनिक से कैसे अलग है, ब्रायोनिया रस्टाक्स से कैसे अलग है, बोविस्टा एमोनियम म्यूर से कैसे अलग है। तो ये कंपैरिजन जो कर रहे हैं, चाहे वो सिम्टम्स के आधार पे हो, चाहे मॉडलिटी के आधार पे हो, चाहे सेंसेशन के कार्ड पर, इसको आपको समझना है और इसके लिए आपको कई सारी मटेरिया मेडिका का अनुभव होना बहुत जरूरी है। पहले लाइन में बात करते हैं, जब डॉक्टर सी लेन एक सफल प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ते हैं तो यही कहते हैं, इसकी जरूरत कैसे पड़ी। ये बहुत जरूरी चीज थी, क्योंकि जब प्रैक्टिस में आए तो उनको लगा कि पैथोजेनेसिस ऑफ रेमडी जो रेमडी का इसेंस पार्ट था उसको, और साथ में उस इसेंस पार्ट को नोट किया, साथ में कंपेयर किया रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, जो हिस्ट्री एनामनेसिस, देखिए कितनी बढ़िया बात कि जो हम बैकवर्ड हिस्ट्री लिए हैं पेशेंट की, जो अभी तक का हमने उसको ऑब्जर्व किया है, उसके आधार पर जो जीनस ऑफ रेमडी है उसका हम कंपेयर और तुलना करते हैं, और उनमें सबसे बहुमूल्य जीनस होता है किसी भी रेमडी का, जो अनकॉमन पिक्यूलियर करेस्टिस्टिक रेड स्टंट सिम्टम्स होते हैं वो सबसे मजबूत स्थान अपना रखते हैं। उदाहरण के लिए वो ब्रैनिया और रस्टाक्स की मॉर्टलिटी के अकॉर्डिंग वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। मेंटल लेवल पे आप देखेंगे तो बेलाडोना की वायलेंसी, उसकी मोनिंग, उसकी प्रलापता को एसिड फास की उदासीनता के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक वैसे आगे लिखते हैं कि ये किसी भी दवा के लिए एक बहुत मजबूत होता है, उसका अनकॉमन एक लैंडमार्क पार्ट होता है, उसको हम समझ सकते हैं। नीट के रूप में लिखते हैं कि इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत वहाँ पर पड़ती है जब हमारे कुछ ऐसे मित्र थे जो सिंगल रेमडी पर, जिनकी संख्या जरूर कम थी और आज भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है सिंगल रेमडी और मिनिमम डोज देने की, कहते थे कि उस समय तक जब तक डॉक्टर सीलन थे कोई इतनी मजबूत सारगर्भित मटेरिया मेडिका नहीं थी जो जल्द से जल्द सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन करने में सफल हो सके। इस काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। आगे आप देखेंगे उस सिंगल रेमडी के कंपेयर के बाद में जब वो आगे लिखते हैं, एक विद्यार्थी के लिए लिखते हैं कि एक होम्योपैथी का, ये बड़ी अच्छी लाइन है उनके लिए, और कहते हैं कि अभी तक में कुछ नहीं था, भूत और वर्तमान में सिंगल रेमडी के सिलेक्शन के लिए जिस पे मैंने एक मजबूत काम किया हूँ, और माफ़ी भी मांगते हैं कि इतने सारे ग्रंथ लिखे गए थे होम्योपैथिक मटर मेडिका में, एक ग्रंथ मैंने और बनाया, उसके लिए हम अपने चिकित्सकों से माफ़ी मांगता हूँ, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने एक ऐसा मजबूत ग्रंथ लिखा जिसकी आज सबसे ज़्यादा कीमत है। एस सी एल एन की जो की नोट मटेरिया मेडिका है, इसको वर्ल्ड टेस्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता है। ये वर्ल्ड की टेस्ट बुक है, आपको इंडियन नहीं, वर्ल्ड में इसको टेस्ट बुक के रूप में इस्तेमाल किया गया, और सच है इसको पढ़ने वाले, इसको समझने वाले बहुत ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे वो लिखते हैं कि एक सफल विद्यार्थी वही है जो लगातार सही ग्रंथों का,
सही बुक्स का सटीक अध्ययन करता है, और जो ऐसा करता है उसका मार्ग, उसका रास्ता बहुत ही व्यापक और सुदृढ़ होता है। मुझे आशा है कि ये जो बुक है, यानी उसमें लिख रहे हैं कि ये अच्छे प्रैक्टिशनर, दोनों का नाम ले रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों बुद्धिजीवी प्रैक्टिशनरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए अवश्य ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। इसको मैंने हेरिंग होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के आग्रह पर इसको हमने पब्लिश किया हूँ। इसके जो कंपाइलेशन किया वो हेरिंग होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के माध्यम से कराया गया। ये अवश्य जितना एक संकलक के लिए, कंपाइलर के लिए उपयोगी रहा है, ठीक उतना ही एक आने वाले विद्यार्थी के लिए उपयोगी होगा, पर विद्यार्थी उसको उसी दृष्टि से पढ़ें जिस दृष्टि से इसको लिखा गया। अब इसकी इतनी कीमत कैसे पड़ेगी? आप जब हिंदुस्तान में आते हैं तो हिंदुस्तान में एक आपको पता है कोलकाता मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो एलेंस की नोट को समझने वाले जो धुंधर थे वो बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में इसको बड़े गहराई से समझते हैं, इसको लोग करते हैं। और ऐसे थे कि लोग कहते हैं कि जब एलेंस की नोट की लाइन वो समझ जाते थे, ठीक वही लाइन पेशेंट बोलता था और वो झूम जाते थे। उनको लगता था कि आज दो चीज़ों का बड़ा मजबूती से संगम हो रहा है, ऐसी फ्रिक्वेंसी मिल जाती थी। जैसे आप देखे होंगे की नोट का मतलब ही है बड़े अच्छे से, कि जिनको गाने का पता होता है तो जब कोई उनको धुन की ट्यून सुनाई देती तो उसमें झूम जाते, उनको पता चलता है गाना बजने वाला है। ऐसे बंगाल में जो होम्योपैथी के मजबूत स्टालवर्ट्स रहे हैं वो एलेंस को इतना गहराई से समझते थे कि पेशेंट को देखते ही, उसके सिम्टम्स को समझते ही वो जान जाते थे कि यही देना है और वही दे देते थे। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। डॉक्टर एस पी कोपीकर थे, उन्होंने एक बुक लिखी 70 ईयर एक्सपीरियंस इन होम्योपैथी। डॉक्टर कोपीकर की बुक के अंदर पढ़ रहे थे, उनको एक बड़ा मजबूती से अपने चाचा जी से उनको एक इंस्पिरेशन मिला। तो एक बार एक पेशेंट आता है और वो पेशेंट की दवा देते हैं, और वो पेशेंट डिलीवरी के बाद आई, उसको झटके आ रहे थे, जस्ट डिलीवरी के बाद उसको झटके चालू हो गए। तो उन्होंने बोला बड़े रिलैक्स माइंड से कि इसको आप एमएल नाइट्रोसम की 1 mg की एक डोज दे दो। और वो बाहर चले गए, बोले मैं आ रहा हूँ 5 मिनट से, और बड़ा आराम से उसको दिए उस इमरजेंसी में, और वो पेशेंट ठीक हो गए। बोले कि इतनी इमरजेंसी में इतना सही सिलेक्शन। उन्होंने इस एलेंस की नोट को पढ़ा, वो सारी बुक्स को पढ़े इधर उधर से, बोले समझ नहीं आ रहा कि इसको एलेंस एमएल नाइट्रोसम दी क्यों गई। तो उन्होंने चौथे दिन बोलते हैं कि आपने उस पेशेंट को एमएल नाइट्रोसम क्यों दिया। उन्होंने बोला कि आप एलेंस की नोट को पढ़िए। तो जब एलेंस की नोट को डॉक्टर एस पी कोपीकर पढ़ते हैं तो ये लाइन लिखी हुई थी कि प्यूरपुरल कन्वर्जन इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी। देखिए इतना वैल्यू कर रहा है कि प्यूरपुरल कन्वर्जन आफ्टर डिलीवरी नहीं बोल रहे हैं, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। इतनी सटीक लाइन पे वहां से यदि आप अपने दिमाग को खोलेंगे, एलेंस की नोट से यदि आप लगाव रखेंगे, तो एक लाइन पर रुकेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे, अपने मन को थोड़ा और गहराई मिले जाएंगे और तब आगे बढ़ेंगे। ऐसे वो थे, उसको समझते थे और करते थे और आगे बढ़ते थे। इसलिए इस बुक को पढ़ने का एक ही मजबूत तरीका है। आगे आते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर सीलन ने अल्फाबेटिकल लिस्ट लिखी। ये अल्फाबेटिकल लिस्ट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ 188 मेडिसिन दी हुई हैं, जिसको डॉक्टर एस एल एन डिस्क्राइब करते हैं। इसको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर, बट जब इन्होंने अपना सेकंड एडिशन का प्रीफेस लिखते हैं, आप देखेंगे इस सेकंड एडिशन का जो प्रीफेस लिखा है, तो एक लाइन वो बहुत अच्छे से छोड़ रहे हैं कि मैंने रेमडी को साथ में एक कंपेरेटिव इंडेक्स भी बनाया है, जो कोई भी होम्योपैथ शायद कम खोलते हैं। और दुर्भाग्य की बात रही कि बीजैन की जो 10th अरेंज एडिशन रहा, इसमें वो इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, केवल इस बुक को मना करने का यही कारण है। आप यदि ये 9th एडिशन या 8th एडिशन पढ़ते हैं तो आप देखेंगे इंडेक्स दिया हुआ है। इस इंडेक्स में ये इंडेक्स है जो बुक के पिछले हिस्से में दिया हुआ है,
ए टू जेड दवाओं का कंपेयर है, ये कंपेरेटिव इंडेक्स है जिसको उन्होंने अंदर में छोटे छोटे शब्दों से में ब्रैकेट में दवाइयों का कंपैरिजन दिया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो मेडिसिन है ये 309 है, 309 औषधियाँ हैं, जो डिस्क्राइब रेमडी हैं 188 हैं, कंपेरेटिव इंडेक्स की दवाइयाँ 309 हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप एलोज है, इग्निशिया है, नट्टम्यूर है, नक्सबम क्या है, ये अल्फाबेटिकल लिस्ट की रेमडी जो इधर दी हुई है, बट आप इसके अंदर जाएंगे ग्रिंडेलिया है, हेक्ला लावा है, अरेलिया है, एलियम सटाइवम है, ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो कंपेरिजन में डाली गई हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आप देखेंगे तो लैकेसिस में जाएंगे तो आपको बुफोराना से कंपेरिजन दिया है एपिलेप्सी के केस में, पेज नंबर 157 में आप देखें लैकेसिस के साथ में ये कंपेरिजन दिया हुआ है। सेम कंडीशन में देखेंगे बुफोराना का कंपेरिजन मिलता है। सेम कहेंगे 37 नंबर पेज खोलेंगे, मैं कंपेरेटिव इंडेक्स की बात करें जहाँ पेज नंबर डला है, तो आप देखें 37 नंबर पेज में इन्होंने बुफोराना का कंपेरिजन, सॉरी एंटिमटाट में जब जाएंगे आप तो इन्होंने अरेनिया दवाई दिया हुआ, अरेनिया डायडेमा 37 नंबर पेज। जब आप 37 नंबर पेज अरेनिया खोलते हैं लेंस की नोट का, तो आपको एंटिमटाट के अंदर में एंटिमटाट का जो सेकंड लाइन है पैराग्राफ की सेकंड पैरा है कि फर्स्ट लाइन में लिख रहे हैं डिसीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ द डैम्प बेसमेंट सेलर्स आर्सेनिक ब्रैकेट में आर्सेनिक अरेनिया डायडेमिना एंड टेरेबेंथिनम। तो देखें आप यहाँ पर अरेनिया दी हुई है जो दवाई इसमें डिस्क्राइब नहीं है। इस अरेनिया को, ये बहुत बड़ी दवाई अरेनिया, एक ग्रावोगल की एक हाइड्रोजनाइट किंग ऑफ हाइड्रोजनाइट रेमडी थी, आप इसको समझेंगे और पढ़ेंगे तो आपको एक चाबी खुल रही। आप सोच सकते हैं कि उसमें कितनी सारी दवाओं का कंपेरिजन दिया हुआ है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, मॉडलिटी के अकॉर्डिंग। तो इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। अगली बात जब आती है, आप देखेंगे तो इस बुक के अंदर में जब जाते हैं हम, तो सबसे पहले मेडिसिन का नाम लिखा है बोल्ड में, नेम ऑफ रेमडी किसी भी मेडिसिन का। अब देखिए आप अच्छे से, फॉर एग्जांपल के लिए एकोनाइट नेपालस, इसमें सबसे पहले नेम लिखा है, देन उसका एक और कॉमन नेम लिखा हुआ है और एक और उसकी फैमिली लिखी गई है ना, कि मॉक्सटूल एंड रेनानकुलेसी फैमिली की दवाई है एकोनाइट। मैक्सिमम में जहाँ पर केमिकल मेडिसिनें हैं उनका जो तो नाइट्राइट आप एमिल लिखा है, एमिल नाइट्रोसम में उसका केमिकल फार्मुलेशन दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से करते हैं। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो मेडिसिन को अब ये पैरा बाई पैरा समझाते हैं। अब उस पैराग्राफ में क्या इसकी वैल्यू है हम आपको आगे इसको समझाएंगे।